मेरा नाम बिलाल है। मैं साउथ एशियन नेटवर्क यानी कि सैन में काम करता हूँ। आपने सुना होगा एक आने वाले कानून के बारे में जो अमेरिकी सरकार लागू करना चाहती है, जिसका नाम पब्लिक चार्ज है। अगर ये कानून लागू होता है तो जिन लोगों ने कभी सरकारी मदद ली हो, जैसे कि मेडिकेड या फूड स्टैम्प्स या पब्लिक हाउसिंग, उनको ग्रीन कार्ड या वीज़ा मिलना मुश्किल हो सकता है। इसी कानून से जो लोग अमेरिका आना चाहते हैं और उनको सरकारी मदद या सहायता की ज़रूरत हो, उनको यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। हम आपको इस कानून के बारे में बताना चाहते हैं। एक, ये कानून अभी जारी नहीं हुआ है। आप अभी कोई फैसला मत लें जिससे आप या आपके घर वालों को परेशानी हो। दो, अगर आपको मेडिकेड या सोशल सिक्योरिटी या फूड स्टैम्प जैसे सरकारी मदद मिलती हो तो अभी बंद मत करवाएं। तीन, जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड है उनको इस आने वालों कानून से कोई मुश्किलात या कठिनाई नहीं होगी। हम समझ सकते हैं कि आप और आपके घर वालों को इस कानून से चिंता और तनाव हो सकता है। हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम हिंदी, उर्दू, बंगला और गुजराती भाषाएं बोलते हैं। आपको मुफ्त में सरकारी मदद दिला सकते हैं और अमरीकी सिटीजनशिप हासिल करने में भी मदद कर सकते हैं। सैन का फ़ोन नंबर है 562-403-0488 और हमारा पता है 18173 पायनियर बुलेवार्ड, स्वीट 1, सेकेंड फ्लोर, आर्टिजा, कैलिफोर्निया। एक और चीज़, इस तरह के कानून से हम सब बच सकते हैं और रोक भी सकते हैं अगर हमारे समुदाय मतलब बिरादरी से ज़्यादा लोग इलेक्शन में वोट करें। हम आपको वोटर रजिस्ट्रेशन में भी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया और धन्यवाद।